नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। कैमोन आशो सत श्री अकाल। तो आज जो मैं वीडियो बनाने जा रही हूँ वो मैंने एक साल पहले हेयर कलर कराया था स्क्वाच ग्रुप का। तो मैंने पार्ट वन बनाया था, वो बहुत लोगों ने पसंद किया वो वीडियो को, बहुत लोग देख रहे हैं उस वीडियो को। तो वो कलर कराए हुए अभी मुझे एटलीस्ट 1.5 ईयर हो गया है, इसीलिए मैंने आज सोचा कि इस वीडियो का मैं सेकंड पार्ट बनाती हूँ कि 1.5 ईयर के बाद मेरे बाल कैसे हैं, क्या वो कलर मेरे बालों पे अब तक वैसा ही है या फिर मुझे कोई प्रॉब्लम हुआ है कलर को लेके। तो यही सारी बातों पे हम लोग आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का भी। तो अगर आप लोगों ने मेरा वो वाला वीडियो नहीं देखा पार्ट वन, तो आप जरूर देख लीजिएगा, ताकि आप ऐसा ना हो कि सीधा पार्ट टू देख रहे हो, पहले पार्ट वन देखिएगा मेरे वीडियो का, जब भी मैंने कलर करवाया था। अभी मैं पार्ट टू बना रही हूँ, जो मैंने 1 से 1.5 साल हो गया है मुझे कलर कराए हुए, उसका रिव्यू दे रही हूँ। तो मैं नॉर्मली बोलूँ कि अभी तक मेरे बाल मुझे बहुत पसंद है, कलर अभी तक वैसा ही है, बट जो मेरे बाल ग्रो हुए हैं वो मेरे जो नॉर्मल बाल हैं, मेरे बालों का कलर ब्लैक है, वो कलर वही आ रहा है। तो जो मैंने कलर कराया था वो अभी तक वैसे ही टिका हुआ है, कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ है, ना मुझे कोई हेयर फॉल का प्रॉब्लम हुआ है, ना मुझे कोई इचिंग का प्रॉब्लम हुआ है, ना कोई डैंड्रफ हुआ है, कुछ भी नहीं हुआ। फर्स्ट पॉइंट ये है कि मेरे बालों का कोई हेयर फॉल नहीं हुआ है, उस कलर ने मेरे बालों को बिल्कुल भी डैमेज नहीं किया है, मेरे बाल अभी तक जैसे थे कलर करवा के वैसे ही है, कलर थोड़ा फेड हो गया है। ये कलर आपको ऐसे नहीं दिखेगा क्योंकि जैसे ही मैं धूप में जाती हूँ ये कलर तभी हाईलाइट होता है, ऐसे करके ये कलर नहीं दिखता क्योंकि अभी रात का टाइम है तो नहीं दिखेगा ये कलर। जे में जो कलर दिख रहा है वो मेरे नॉर्मल वाले लग रहे हैं, आपको नहीं पता चलेगा कि मैंने कलर करवाया है, बट अगर मैं धूप में जाती हूँ या फिर बाहर जाती हूँ तो बहुत आसानी से हम लोग समझ सकते हैं कि मैंने बालों में कलर करवाया हुआ है। तो वही बात मैं बोलती हूँ कि मुझे कोई हेयर फॉल का प्रॉब्लम नहीं हुआ, कोई मुझे डैंड्रफ का प्रॉब्लम नहीं हुआ। तो 1.5 साल के बाद भी मेरा रिव्यू इस कलर के लिए बिल्कुल अच्छा है, थम्स अप है बिग वाला, क्योंकि कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप लोग ये कलर करवाना चाहो तो करवा सकते हो। सेकंड नंबर, तो रिसेंटली मैंने हेयर कट करवा लिया है, तो हेयर कट करने के बाद भी ये कलर मेरे बालों में अभी तक वैसा ही है। ऐसा नहीं है कि मैंने हेयर कट कर दिए हैं तो मेरे बालों का जो कलर बाल थे वो कट हो गए, नहीं, मेरे ज़्यादा बालों की ग्रोथ नहीं होता, इसलिए इतने से ही बाल मेरे ग्रोथ हुए हैं, जो इतना सा पोर्शन आपको दिख रहा है यही ग्रोथ हुआ है, बाकी इधर से लेके इधर तक पूरे अभी तक कलर्ड बाल हैं मेरे, ठीक है। थर्ड पॉइंट ये है कि मैंने कभी भी, जब से मैंने कलर करवाया है, मैंने आज तक कोई ऐसा नहीं है कि कोई स्पेसिफिक शैम्पू या कंडीशनर या सीरम कोई यूज़ किया है, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं नॉर्मल शैम्पू जो यूज़ करती हूँ वही यूज़ कर रही थी, कोई मुझे स्पेशल शैम्पू पे इन्वेस्ट नहीं करना पड़ा कि मैं अलग से कोई शैम्पू करूँ इन बालों को कलर को बनाए रखने के लिए, ऐसा कुछ भी नहीं था। और ना कोई मैंने सीरम यूज़ किया, मैं सिंपली मैट्रिक का सीरम यूज़ करती हूँ, मैं वही यूज़ कर रही हूँ, और ना ही मैंने अपने बालों में कोई स्पा कराया है, ना ही दूसरा कोई ट्रीटमेंट कराया है 1-1.5 साल तक, क्योंकि बाल बहुत कलर के बाद बहुत स्मूथ हो गए थे, बहुत शाइनी भी हो गए थे, जो अभी तक बरकरार है, कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ है। ऐसा नहीं है कि कलर कराने की वजह से मेरे बाल डैमेज हो गए हैं या फिर ख़राब हो गए हैं या फिर स्प्लिट एंड्स हो गए हैं, ऐसा कुछ भी नहीं। मैंने हेयर कट भी दरअसल इसीलिए करवाया था क्योंकि मुझे बाल लंबे हो गए थे, मुझे थोड़ा अलग चेंज चाहिए था मेरी लुक के लिए, इसीलिए मैंने हेयर कट कराया, अदरवाइज कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ, कोई स्प्लिट एंड्स नहीं हुआ, कोई मेरे बाल रफ नहीं हो गए, ठीक है। बहुत अच्छा, मतलब कि इस कलर का रिव्यू है, अगर आप लोग करवाना चाहो तो करवा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। थोड़े से पैसे ज़्यादा हैं इस कलर के,
ग्लोबल हेयर कलर के, बट वर्थ इट है। अभी 1.5 साल हो गए, मैं आपको रिव्यू दे रही हूँ, जो कुछ एक्सपीरियंस हुआ है इसीलिए दे पा रही हूँ आपको रिव्यू। तभी मेरा फ्रेश रिव्यू था, तभी मैं कलर करा के आई थी। अभी तो मेरा 1.5 साल हो गया है, 1.5 ईयर हो गया है, तभी मैं आपको अच्छे से बोल पा रही हूँ कि आप लोग ये कलर के लिए जा सकते हो कि नहीं। आप लोग डेफिनेटली जा सकते हो इस कलर के लिए, डेफिनेटली करा सकते हो। तो बस आज का मेरा वीडियो यही रहेगा, होप सो कि आपको पसंद आया होगा। अगर आपको मेरा छोटा सा वीडियो अच्छा लगा हो, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा। थैंक यू, बाय बाय।